अभी हम इसी कड़ी में हिमांशु कुमार द्विवेदी भैया की शेयरिंग को सुनेंगे। भैया असिस्टेंट प्रोफेसर है प्रयाग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। भैया यूएचयू के साथ में जून 2016 से जुड़े हुए हैं, तो भी मैं भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बातों को रखे। ओवर टू यू हिमांशु भैया। नमस्ते भैया, आवाज आ रही है हाँ भैया? हाँ जी भैया आवाज आ रही है। ठीक है, नमस्ते सभी को। मेरा नाम हिमांशु कुमार द्विवेदी है, मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज में प्रयाग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ 2014 से। तो मैं अपनी यात्रा की बात करूं तो मेरी बेसिकली जो यात्रा शुरू हुई है वो AKTU में, चूंकि एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी थी। तो उसका एक मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, 8 दिन का शिविर था IIT कानपुर में जून 2016 में। तो वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। मतलब वहां तो बाई फोर्स ही गया था मैं, लेकिन वहां जाके लगा कि नहीं, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये मेरे जीने से जुड़ी हुई है और ये मेरी ही बात है। तो अपने में एक मन बना कि अभी जो 30 साल 32 साल जो जीना हुआ है, एक जीना तो वो हो ही रहा था, एक ये प्रपोजल्स मिला तो इसको लगा कि नहीं ठीक है, इसको देखा जाए। और इसमें जो है ये स्पष्टता बनी कि इस पे जो है इस कंटेंट से जुड़े रहना है और जो है जुड़ करके आगे इसमें भागीदारी देना है। तो उसी क्रम में फिर लगातार इस कंटेंट से जुड़ना भी हुआ और समय समय पे जो है समर और विंटर ब्रेक में अपने यहाँ वर्कशॉप्स होती थी तो उस वर्कशॉप को अटेंड भी करते थे और वो 14 15 दिन 20 दिन जो भी समय निकालते थे वो रिजर्व इसी के लिए निकालते थे, छुट्टी का समय रहता था तो इसमें अपनी भागीदारी किसी न किसी रूप में देते थे। तो इस तरह से ये यात्रा बिल्कुल तब से लेके अब तक अनवरत चल ही रही है। और अभी मैं देखूं तो सुबह के सत्र से जो मुझमें मेरी गति में अस्पष्टता हुई है, मेरी जो गति बनी है, तो अगर मानव के बारे देखूं तो ये स्पष्ट हुआ है कि मानव मैं और शरीर का सह अस्तित्व है। तो बेसिकली मैं के बारे में अगर बात करूं तो मैं हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूँ, समाधान को समझ कर समाधानी पूर्वक जीकर मैं निरंतर सुखी हो सकता हूँ, इसकी स्पष्टता बनी। और साथ ही ये बना कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। तो ये बेसिकली मानव के बारे में इतनी स्पष्टता बनी। प्रकृति के बारे में देखें तो प्रकृति की मतलब प्रकृति जो है ये जो चार व्यवस्था चार आदर है अस्तित्व में, मानव परिवार समाज प्रकृति और अस्तित्व। तो प्रकृति भी मैं प्रकृति की एक इकाई हूँ ऐसा मुझे स्पष्टता से दिखाई दिया और मेरी कुछ भागीदारी है प्रकृति के रूप में। तो जो भी प्रकृति में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका हमको कितना सदुपयोग करना है और उस प्रकृति की हर एक इकाई के प्रति हमारी क्या भागीदारी है, इसकी स्पष्टता बनी। अस्तित्व को देखें तो अस्तित्व में बेसिकली इकाइयां शून्य के सह अस्तित्व में संपृक्त हैं, ये इसकी स्पष्टता बनी। सह अस्तित्व मतलब संपृक्तता से है, तो इकाइयां शून्य की संपृक्तता में उर्जित हैं, इकाइयां शून्य की संपृक्तता में स्वनियंत्रित हैं, इकाइयां शून्य के संपृक्तता में दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को पहचानती है और निर्वाह करती हैं, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार हैं, ये स्पष्टता बनी। मानवीय आचरण के बारे में देखूं तो मानवीय आचरण को देखें तो मूल्य नीति और चरित्र, मूल्य मतलब स्वयं की भागीदारी का स्पष्ट होना, मेरी क्या भागीदारी है इसकी स्पष्टता मेरा मूल्य है। नीति जो मेरी भागीदारी है उसका निर्वाह कैसे होगा इसकी स्पष्टता, ये नीति हुआ। चरित्र को देखें तो मूल्य और नीति के साथ जो हम व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी को करना चाह रहे हैं वो मेरा चरित्र है। तो ये मानवीय आचरण के बारे में स्पष्टता बनी। अब अभ्यास एक और दो को देखें तो अभ्यास एक और दो से जो मेरी मेरे में गति बनी, अभ्यास एक का जो पहला स्टेप है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सजग रहें,
और जो मेरे में इच्छण भाव विचार चल रहा है, जो कल्पनाशीलता चल रही है, जो इच्छा विचार आशा चल रही है, उसको देखना है। ये देखने वाला पार्ट जो है बड़ा कठिन है। मतलब दूसरे के बारे हम ज्यादा कंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन अपने के बारे जब देखना होता है तो कहते हैं अपने को सब पता है, जबकि एक्चुअल में अपने को कुछ पता नहीं होता। अपने बारे में जितना हम अवेयर रहते हैं, अपनी कल्पनाशीलता को जितना स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उतना ही हम जो है रिएक्टिव नहीं होते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जब हम अपने भाव विचार को नहीं देख पाते, तभी हम रिएक्शन करते हैं। तो ये वाला पार्ट तो काफी स्पष्ट हुआ है। अब रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स ही होता है। और दूसरे स्टेप में जो मेरे में ईक्षण भाव चल रहा है, वो मुझे सहज स्वीकार है या सहज स्वीकार नहीं है, ये भी स्पष्ट दिखाई देता है कि कौन सा जो मेरे कल्पनाशीलता में चल रहा है वो मुझे सहज स्वीकार है या सहज स्वीकार नहीं है। तो कुछ भाव सहज स्वीकार भी होते हैं, कुछ सहज स्वीकार नहीं होते। जो सहज स्वीकार होते हैं उन पे फिर आगे अमल होता है, जो सहज स्वीकार नहीं होते उनको वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। और तीसरे स्टेप में जो मेरे में इस क्षण में जो भाव विचार चल रहा है, उस भाव के साथ मैं आराम में होता हूँ या संगीत में होता हूँ, ये भी स्पष्ट दिखाई देता है। जब भी मेरे में जो भाव विचार चल रहा होता है वो मेरे अनुकूल होता है, ठीक है, मेरे साथ मेरी सहज रूप से स्वीकार होता है, तो उस क्षण मैं सुखी होता हूँ। और ये बिल्कुल स्पष्ट है चौथे स्टेप में कि जो भी मेरे में भाव विचार चल रहा है, जो मेरी कल्पनाशीलता चल रही है, उसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ। बाहर की परिस्थिति या कोई दूसरा व्यक्ति या स्वयं, तो ये दिखाई देता है कि न बाहर की परिस्थिति न कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय लेता है, मेरे भाव में जो कल्पनाशीलता चलती है इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ। अब इस निर्णय का आधार तो बेसिकली पहले तो इस निर्णय का आधार मान्यता या संवेदना ही होती थी, लेकिन अब ज्यादातर इस समय 2-3 सालों से जो भी मेरे में भाव विचार चल रहा है वो ज्यादातर उसका निर्णय जो है सहज स्वीकृति के आधार पे अब होता है। लेकिन कभी कभी जो है हमेशा तो अवेयरनेस बनी नहीं रहती, जब भी अवेयरनेस चुकती है तो भाव बिगड़ भी जाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि वो दिखाई दे देता है कि अब इस क्षण मेरा भाव बिगड़ा है, तो उस भाव के प्रति जो है अवेयर हो जाते हैं। और कौन सा भाव मुझे सहज स्वीकार है तो बिल्कुल स्पष्ट है, संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार है। हाँ, संघर्ष, अव्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव ये देखेंगे तो संबंध का भाव या विरोध का भाव, तो संबंध का भाव सहज स्वीकार है। व्यवस्था का या अव्यवस्था का, तो इसमें व्यवस्था का भाव। सह अस्तित्व का या संघर्ष का, ये दिखाई देता है सह अस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार है। और हम संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को संपूर्णता में समझने का काम करते हैं, पूरी प्रकृति और अस्तित्व के संदर्भ में। और यह भी सुनिश्चित किया है कि इस क्षण मेरे में जो भाव चल रहा है संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व के अर्थ में है या इसके अन्यथा है, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और जब भी मैं संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को संपूर्णता में समझता हूँ, तब मेरे में आराम की स्थिति बनती है, मेरे में संगीत की स्थिति बनती है और मैं इसमें जो है सुखी होता हूँ। अभ्यास दो के बारे देखें तो अभ्यास दो के बारे मैं और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखते हैं। तो मतलब मैं भी हूँ, मेरा शरीर भी है, ये दोनों अलग अलग इकाइयां हैं, ये स्पष्ट दिखाई देती हैं। और मैं और शरीर के बीच में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसकी भी स्पष्टता है। शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय भी सेल्फ ही लेता है, शरीर नहीं। मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ, मैं और शरीर के बीच दूरी है। तो मैं इस बारे में देखता हूँ कि मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है, और दूरी होते हुए भी मैं संवेदना को पढ़ता हूँ, ठीक है। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, इसे अर्थ देता हूँ, उससे प्रभावित होता हूँ, नहीं होता हूँ, प्रतिक्रिया जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ, ये सारा जो है मुझ में अस्पष्टता से दिखाई देता है। बाह्य परिस्थिति का शरीर
प्रभाव तो मेरा निर्वाह प्रतिक्रिया पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक जीन परतंत्रता पूर्वक, मतलब जब बाह्य परिस्थिति के आधार पे मेरे शरीर पे प्रभाव पड़ता है तो उससे प्रतिक्रिया होती है और मेरा जो जीना है परतंत्रता पूर्वक जीना होता है। मैं अपने संस्कार के साथ जोड़कर उसका अर्थ, जो भी मेरा संस्कार बना हुआ है, जो भी मेरे में प्रतिक्रिया होती है, मैं अपने संस्कार के आधार पे उसको जोड़कर देखता हूँ और उससे प्रभावित होता हूँ और अपने भाव विचार को बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ। मैं प्रतिक्रिया पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक जीना। ये सारा मेरा जो भी ओवरऑल देखें तो ये जो भी एक्सरसाइज से मेरे में जो गति बन पाई है वो यही है कि मैं जितना स्पष्ट रूप से एक्सरसाइज को और जितने अच्छे ढंग से अवेयरनेस के साथ मैं प्रस्तुत होता हूँ, वैसे ही मेरा कार्य व्यवहार भी होता है। जब भी मेरे में अंदर गड़बड़ी चलती है तो बाहर वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन अब पहले ये था कि मुझे पता नहीं चलता था, अब ये इस अभ्यास से ये हुआ है कि इसकी बिल्कुल स्पष्टता होती है और दूसरे के साथ जब जब दूसरे के साथ जीने चलते हैं तो अपनी अपनी जिम्मेदारी का बोध होता है कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी ये है कि दूसरे के साथ जो मेरा जीना है वो मानवीय आचरण के अनुरूप ही हो, अमानवीय न हो। तो ये भी है। और अब बाकी भैया स्लाइड को लगा देंगे तो वो वाली स्लाइड लगा दीजिए जी। तो अभ्यास एक और दो को देखें तो काफी स्टेप्स को तो मैं स्पष्टता से देख पाता हूँ, लेकिन कुछ स्टेप अभी बाकी रह गए हैं, मतलब जिनमें स्पष्टता नहीं बनी है, तो उसके बारे भी अब ये तो है ही कि मतलब इस कंटेंट से जुड़े रहना है और इस अभ्यास को फर्दर आगे भी करना है। और तो स्वयं की समझ के लिए कितना समय लगा सकते हैं तो इसको देखेंगे। तो ये चौथा पॉइंट, इस समझ के साथ पिछले 4 महीने में आपके जीने में अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो हाँ, बहुत परिवर्तन हुआ है। मेरा जीना काफी ठीक हुआ है और जब से मैं इस बीएचडी से जुड़ा हुआ हूँ तब से मेरे में काफी जो है अस्पष्टता बनी है कि नहीं, मुझे करना तो यही है, करने लायक काम भी यही है, तो अब इसी में जो है आगे समय लगाना है और जितना अस्पष्टता से इस अभ्यास को करेंगे उतना जो है मेरे में गति बन पाएगी। और स्वयं की समझ के लिए कितना समय लगा सकते हैं तो स्वयं की समझ के लिए अभी जो है ये तो प्रयास बना है कि 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे तो डेली निकाल ही पाएंगे, तो वो 3 घंटे निकाल पाते हैं और 3 घंटे जो है कर पाते हैं। बाकी कॉलेज में भी लोगों के साथ काम करने में, दूसरे के साथ व्यवहार करने में, और मतलब जहाँ जहाँ जीना होता है तो वहाँ भी काफी अवेयरनेस बनी रहती है तो वहां भी काम कर पाते हैं, लेकिन कम से कम 3 घंटा तो मैं डेली समय निकाल ही सकता हूँ। स्वयं के वैभव के रूप में अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ परस्परता में अपनी सामाजिक भागीदारी के अर्थ में कितना समय निकाल सकते हैं तो वो भी लगभग ये प्रयास बना है कि जो भी भागीदारी है, भागीदारी तो कर ही रहे हैं, साथ में जो फिजिकल वर्कशॉप होती है तो उसमें एज अ ऑब्जर्वर को फैसिलिटेट 6 महीने में कम से कम 3 3 दिन की दो वर्कशॉप, तो दो वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं और कम से कम 2 घंटे का समय तो लगा ही सकते हैं। तो वो तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम 3 घंटे तो डेली लगता ही है, और भी कई जिम्मेदारियां हैं जिनका मैं निर्वहन कर रहा हूँ, साथ में मैं इस सब्जेक्ट को भी पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स के साथ भी मेरा अट्रैक्शन होता है, और कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं जिनमें भी मेरी भागीदारी होती है, और ग्रुप 11 की मेंटर मिंटी मीटिंग भी हर मंडे को होती है। तो उपासना दीदी हमारी मेंटर हैं, वो भी मीटिंग हर मंडे मंडे होती है तो उसमें भी भागीदारी रहती है। साथ में एमपी स्कूल एजुकेशन की हर फ्राइडे फ्राइडे मीटिंग होती है तो उस मीटिंग को भी मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, और इसके साथ बाकी जो और भी जिम्मेदारियां मिलेंगी। और अपने समय को मैंने बता ही दिया है कि 3 से 4 घंटे मैं डेली निकाल ही पाता हूँ,
तो वो समय भी मैं इसी के लिए दूंगा। और दूसरी बात, मैं जो स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि इस ह्यूमन वैल्यू से मेरे में काफी परिवर्तन हुआ है, और जब से ये जुड़ा हुआ है उसके मेरे स्वास्थ्य में भी काफी डिसबैलेंस हुआ। बीच में 2-3 साल में काफी अनबैलेंस रहा, तो वो ह्यूमन वैल्यू के ही कारण ये बिल्कुल स्पष्ट था कि मतलब जो भी अव्यवस्था हुई है वो मेरे शरीर में हुई है, उससे मैं परेशान नहीं हूंगा। अगर मैं परेशान हो जाता हूँ तो फिर वो शरीर की अव्यवस्था भी बड़ी तेजी से बिगड़ती है। तो मैं स्थिर बना रहा और उससे निकल के आ गया तो काफी स्वस्थ भी हूँ और काम भी कर पा रहा हूँ। और बाकी मेरे साथ मेरे जीने में भी काफी परिवर्तन हुआ है, और साथ में जब मेरे व्यवहार में भी अब जो भी मतलब पहले जो गड़बड़ी थी वो गड़बड़ी अब कम दिखाई देती है, और काफी कुछ जो है अपने में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये तो हुआ ही है कि पिछले 7 सालों में यात्रा तो कुछ हुई है, जितनी यात्रा हुई है उसका जो है उत्सव, और जितनी आगे की यात्रा करनी है उसके लिए उत्साह बना हुआ है। तो उसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे रोकता हूँ भैया। सभी को धन्यवाद, और सभी जितने भी हमारे साथी हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरी इस जर्नी में जितने भी लोगों का सहयोग है, उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, और सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव है। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते। मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। जी भैया, जी भैया, हिमांशु भैया, बहुत ही सुंदर शेयरिंग आपने रखी भैया। जैसे मतलब एक बात याद आ रही है कि जब मैंने वॉलंटियरिंग शुरू किया था, जब हम 50-100 रजिस्ट्रेशंस करते थे, तब आप 300-400 कभी कभी 500 रजिस्ट्रेशंस भी करते थे। इनफैक्ट उसका ट्रेनिंग आपने ही दिया था, बीच में आपसे संपर्क नहीं हो पाया था, लेकिन भैया आज आपको सुनकर सारी बातें याद आती हैं। धन्यवाद भैया, कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि सुधीर भैया और हिमांशु भैया की शेयरिंग के बारे में वो हमें गाइडेंस दे। ओवर टू कुमार भैया। जी भैया, सुधीर भैया और हिमांशु भैया दोनों की शेयरिंग अच्छी रही। हिमांशु भैया मुझे लगता है पिछले 5 या 6 वर्षों से जुड़े हैं, और पहले वर्कशॉप से ही काफी उत्साह से आप जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि और बारीकी आ जाए, भागीदारी की तत्परता, उत्साह तो आप में बहुत ही अच्छा रहता है, बट थोड़ा सा और भाव के स्तर पे सजगता और बढ़े। और जैसे बहुत सारे प्रस्ताव के बिंदु तो हमें मिल जाते हैं शब्द के रूप में, परंतु उसके अर्थ में और जाने की जरूरत होती है, उस वाले काम को और करें विधिवत, तो बहुत अच्छी संभावना है। जिस कॉलेज में आप हैं और जिस तरह से यूपी में हैं और यूपी में जिस तरह के काम होने की संभावना है, तो उसमें आगे बहुत सारे अपने को फेस टू फेस वर्कशॉप्स कंडक्ट करने की जरूरत है, 3 डेज 5 डेज, तो उसमें आपकी और अच्छी भागीदारी हो सकती है। आपका उत्साह हमेशा ही बना रहता है, और मतलब ये जो आपका बाईपास सर्जरी हुआ उस दौरान भी हम लोगों से जब भी बात हुई, आपके उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी, उसके बाद भी नहीं दिखी, तो वो एक संस्कार तो अपने आप में बना हुआ है। एक वर्कशॉप को रखने के हिसाब से जो अपनी और तैयारी थोड़ी सी होनी है वो हो जाए तो एक अच्छा अवसर बनेगा पूरे विश्वविद्यालय के लिए। उसको आप थोड़ा सा देखें, इसके लिए कभी हम लोग अलग से भी बात कर सकते हैं। यूटी3 का जो फेस टू फेस वर्कशॉप हुआ था लखनऊ में, उसमें भी आप रहे, तो अपनी तरफ से प्रयास तो कर रहे हैं, है ना, उसमें और थोड़ी बारीकी आ जाए तो और अच्छा रहेगा। जी, आपको भी भैया मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, बधाई, नमस्ते। जी धन्यवाद भैया, नमस्ते। जी भैया, वो जो कह रहे हैं ना, वो थोड़ा जीने वाले पार्ट में अभी थोड़ा है, मतलब वो उतना बारीक नहीं हो पाया है, उस पर काम करने की जरूरत है। तो भैया उसके लिए तो मतलब बिल्कुल उत्साह बना हुआ है। जी जी बिल्कुल, और अभी आप तो 8th बैच में जुड़े ही रहेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भैया। बढ़िया भैया। जी यशवंत भैया, जी जी भैया, धन्यवाद भैया।